हेलो सिलाई सीखो से, मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको सेंटर टेबल कवर बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने जीन्स जो है उसको काट कर ये बनाया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर कवर लगता है देखने में और बनाना भी बहुत ही इजी है। ये डिज़ाइन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जो मैंने कपड़ा लिया है ये जो है शर्ट पीस जो है ये वो वाला है शर्ट पीस है ये, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो मैंने ली है, जो मैंने इसकी फुल लेंथ जो ली है वो है 53 और विड्थ है इसकी 35। तो आप अपने टेबल के हिसाब से आप इस ले सकते हैं। मैंने ये वाला जो है नाप इसका लिया हुआ है। दूसरा ये कि इसको काटने के लिए, इसका जो ये गोलाई जो है इसको काटने के लिए जीन्स को साइड में से हम जो है उधेड़ देते हैं, उसके बाद ये वाला पीस जो है हम कट करेंगे। तो पीस जो है हम इस तरीके से कट करेंगे, जैसे हमारे पास ये कपड़ा है या फिर आप पेपर लेंगे, तो जैसे इसको पेपर लेंगे तो इसको हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है इसमें से हम जितनी भी आपको इसका सर्कल चाहिए उतना बड़ा आप सर्कल ले सकते हैं। जो मैंने जो लिया है वो है लिया 3.5 यहाँ से, और यहाँ से लेते हुए इस वाले नाप से यहाँ से लेते हुए इसको यहाँ से पूरा जो है 3.5 तक जो है हम इस पर निशान लगाएंगे। ये 3.5, तो 3.5 पर ये निशान लगाते हुए इस तरीके से हम इसको गोलाई करेंगे। ये गोलाई कर ली। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए साइज तो आप यहाँ से ही नापेंगे, और इसकी जो है जितनी मर्जी आप जो है गोलाई अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ से 5 लेंगे तो इस तरीके से हम इसको गोल कर देंगे। साइज जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसकी हम जो है कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये जो साइज है हमारे पास ये निकल कर आ गया, ये गोल है। इस तरीके से जो है हमारा सर्कल बनकर रेडी होगा। तो ये जो है हम तब अब जीन्स के ऊपर हम रखेंगे, तो ऐसे ही सर्कल जो है हम रखेंगे इस पर, और इसका निशान जो है हम इस पर लगाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसका ये जो है ये देखिए इस तरीके से ये गोल होगा। अगर यहाँ से कोई छोटा बड़ा अगर आपका पीस कट जाता तो आप उसको जो है ठीक कर सकते हैं। और ये देखिए, सर्कल काटने के लिए तो ये है, बाकी ये जो साइड में जो मैंने डिज़ाइन लगाया है ये तब आप जीन्स काटेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हम ये रखते हैं पीस, इस तरीके से जैसे देखिए ये सर्कल मैंने काटा, इसके साइड का ये बच गया यहाँ से, और इधर ये रखते हैं, ये ऐसे रखते हैं। तो ऐसे आप एक एक पीस रखते जाइए, और जो जब रखेंगे तो आपके जो है ये साइड में जो ये जो है बीच में आपके पीस निकलते जाएंगे और साइड में ये जो है सर्कल आपके निकल जाएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है मैंने इसी तरीके से निकाला है और ये बनाया है इसको लगाकर। तो अब ये जो है एक पीस जो है ये जो है मैंने ये सिला नहीं है, इसको मैंने एडजस्ट किया है, सारे पीस को एडजस्ट करके पिनअप किया है। ये देखिए ये पिनअप किया है, तो मैंने एक छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। तो पहले सबसे पहले जो है हम इस पर ये जो है मशीन लगा कर दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको ये डिज़ाइन बताएंगे। ये देखिए यहाँ से अब हम इसको सिलेंगे। ये जो मैंने ये व्हाइट वाला धागा लगाया हुआ है ये वाला, यहाँ से सिलेंगे इसको। आप इसके अंदर जो यहाँ साइड से जो हम सिलेंगे उसमें जो है आप मैचिंग धागा लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए इस तरीके जिस शेप में है हमारा ये डिज़ाइन उसी शेप में जो है हम इसको सिलेंगे। बीच में जहाँ पिन आए उसको आप निकाल सकते हैं, और बाकी जो पिन है वो आप बाद में भी आप निकाल सकते हैं इसको। यहाँ तक लेकर आएंगे इसको, और उसके बाद इसको हम शेप के हिसाब से अपने इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए ये जो है हमारा पीस जो है साइड का ये जो है सिलकर रेडी हो चुका है, और अब हम इसकी पिन निकाल देंगे। ये बिल्कुल जो है यहाँ से फिक्स हो गया है। अब हम जो है सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे ये देखिए मेरे पास ये ऊन है, मैंने इसमें जो है ऊन का यूज़ किया है, ये ऊन ली है। तो ऊन जो है हमें पतली वाली ऊन लेनी है, 1 या 2 प्लाई की आपके पास ऊन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से कोई भी आपके पास ऐसा धागा हो जो आप यूज़ कर सकते हैं जो ऊन की तरह हो। और ये देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी जो हमारी ये शीटल होगी इसका जो ये पेच है ये वाला, ये देखिए इस पेच को जो है हम लूज करेंगे। इसको हमने लूज कर लिया। लूज करने के बाद जो है हम एक बॉबिन लेंगे, बॉबिन जो है हमारी खाली होगी क्योंकि ये हमारा जो ऊन है जो इसके अंदर ये पूरा आ जाएगा, इसको यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको यहाँ से टाइट टाइट जो है बिल्कुल टाइट टाइट इसको यहाँ से लपेट देंगे ताकि हमारी ऊन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आ जाए।
इसको जितना टाइट करेंगे ऊन जो है हमारी ज़्यादा आएगी। बीच में कई बार ऊन में जो है ये यहाँ पर गांठ आए या कुछ ऐसा है, उसको आप हटा सकते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे कर कर आप लपेट सकते हैं। इसी तरीके से आप एक दो बनाकर रख लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने ये बार क्रीम कलर का ही लगाया है, आप जो है अलग अलग कर कर दो तीन में लगा सकते हैं ताकि आपको बार बार भरना ना पड़े इसमें। फिर उसके बाद जो है ये देखिए इसको जो है इसके अंदर डालेंगे और इसको यहाँ से ऐसे कर कर निकाल देंगे, जो हमारा इजीली हो जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ से लूज कर लिया है। अब इसको लूज करने के बाद जो है हम लगाएंगे, लूज करने के बाद ये हमारा फिक्स हो गया। इसको यहाँ से लेंगे और इस धागे को अंदर से निकाल देंगे। देखिए ये जो है ऊन हमारी नीचे से आ गई है। दूसरा ये कि ऊपर वाला जो धागा है उसको हम लूज रखेंगे, ये मैंने 0 पे किया हुआ है। बाकी अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आप यह 0 पे कर सकते हैं। आपके जो सिंपल मशीन है आप उसमें ये डिज़ाइन जो है आप उसमें भी आप बना सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए ये वाली मशीन होनी चाहिए तो इसमें जो है। दूसरा ये कि जो हमारा स्टिच जो है वो जो है ये देखिए जो स्टिच का साइज़ है वो जो है पूरा जो है जितना भी बड़ा स्टिच हो आपके पास उतना ही मशीन में मैक्सिमम वो आप उतना बड़ा स्टिच इसको कर लीजिए। उसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए अब ये सर्कल पर जो है हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये देखिए ये सीधा साइड है हमारा, ये हमारा उल्टा साइड है। तो इसको बनाने के लिए हम जो है उल्टा साइड से हम इस पर मशीन चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मशीन चलाएंगे ये ऐसे कर कर, और जो हमारा शेप है उसी शेप पर जो है हम मशीन चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद इसी पर जो है पक्का करने के लिए थोड़ा सा यहाँ तक जो है यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगी इसको इसके ऊपर से। बाद इसके बाद उसके बाद जो है हम इस सर्कल को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे और इसके साथ में जो है ऐसे हम घुमाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से जो मैंने यहाँ पर टच कर कर यहाँ से अलग किया था, अब जो है बिल्कुल सीधा सीधा ले जाएंगे। अब इसमें हम टच नहीं करेंगे, इसके साथ साथ जो है इसके ये ऐसे घुमाते जाएंगे इसको। ये देखिए अब देखिए यहाँ से जो है धागा हमारा ये जो है खत्म हो चुका है। ये देखिए ये डिज़ाइन जो है हमारा बनकर रेडी हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो धागा है ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और इसके अगर आप पूरा धागा एक ही लगाना चाहते हैं तो आप एक लगा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से स्टार्ट करने के लिए जो है हम इसको फिर ऐसे ही उल्टी साइड से बनाएंगे इस डिज़ाइन को, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उससे थोड़ा सा पीछे आधा इंच थोड़ा सा पीछे लेंगे इसको, आधा इंच थोड़ा सा पीछे लेंगे और इसके ऊपर जो है हम फिर से मशीन चलाएंगे, इसके ऊपर से मशीन चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से धागा जो है ये मैंने रेड लगा लिया है इसके नीचे। ये देखिए रेड कलर का ये धागा आ चुका है, और यहाँ पर ये देखिए ये जो निशान है इसके ऊपर से आ गया है ये धागा, और जो ऊपर वाला धागा है इसको हम इस पर काट देते हैं ताकि हमारी ये जो यहाँ से फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद जो है आप इस सर्कल को जो है इसी तरीके से आप घुमाते जाएंगे। ये देखिए सर्कल जो है हमारा पूरा हो चुका है। अब जो बीच में जो है इसको हमने रोक दिया है, उसके बाद जो यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा जो है बैक स्टिच लेंगे, आगे पीछे 2-3 बार करेंगे और ये जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको हम निकाल देंगे अब। ये देखिए ये हमारा जो डिज़ाइन जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको लगाने के लिए जो है मैं आपको जैसे मैंने वो पहले लगाया था ये वाला डिज़ाइन से जो है हमने ये लगाना है। तो लगाने के लिए जो हमने सबसे पहले क्या करना है इसमें, ये देखिए आप जो है डिज़ाइन बनाने के लिए आप किसी तरीके से भी आप अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं इसको। तो मैंने जो है एक बीच में लगाया, उसके बाद जो है मैंने चारों तरफ इस पर डिज़ाइन लगाया है। बाकी जो डिज़ाइन जो है मैंने 3 साइड ये जो है ये 3 ये लगाए हैं, उसके बाद ये जो है साइड में मैंने ये लगाया। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड लगाया है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये रखा इसको हम ऐसे रख सकते हैं इस तरीके से, और ज़्यादा पीस बनाने के बाद ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये वाला जो है ट्राइंगल वाली शेप आ जाएगी आपकी। आप अपने हिसाब से आप इस डिज़ाइन को कैसे भी रख कर आप इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये मैंने छोड़ दिया है इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे। ये वहाँ से जो है मैंने यहाँ से मैंने जो है 2 उंगली जो है यहाँ से छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो है मैं यहाँ से लूँगी और 2 उंगली यहाँ से छोड़ते हुए इसको मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। सेट करने के लिए जो है हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से ये है कि ये हमारा सर्कल हिलेगा नहीं और हमारी जो मशीन जो है आराम से चलेगी, और ना ही ये जो है सही से तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है लगेगा।
ये देखिए पिन लगाकर जो है ये मैंने डिज़ाइन जो है इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद ये देखिए जैसे हमने जो हमारे ऑर्डनरी मशीन जैसे हम जो सिलाई करते हैं सेम ऐसे ही अब उसको करना है। जो पेच मैंने यहाँ से लूज़ किया था उस पेच को जो है हम यहाँ से टाइट कर देंगे, वही धागा डालेंगे जो हम यूज़ करते हैं सिलाई के लिए सेम ऐसे ही। और उसके बाद जो है अब इसको शटल को जो है हम इसके अंदर मशीन में लगा दिया है। ये देखिए अब इस सर्कल पर जो है हम मशीन लगाएंगे। आप पहले सारे सर्कल बना लीजिए उसके बाद जो है हम मशीन का जो धागा इस पे जो पेच है इसको हम टाइट कर कर और सारे को लगा सकते हैं सर्कल। इस तरीके से हम इसको तब हम रोकेंगे मशीन को तो निडल जो है हमारी मशीन के अंदर ही रहेगी ताकि हमारा कपड़ा जो है आसानी से मुड़ सके। ये देखिए सर्कल जो है हमारा अटैच हो चुका है इस तरीके से और ये सारे डिज़ाइन जो है हमारे बन चुके हैं। ये हमारा जो है टेबल कवर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सुंदर लगता है ये बनाने में और इजी है। आप इसे बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।